नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं। जी दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं, और जैसे अब जो है लोकल माल भी आ चुका है, जैसे जिसको कैरथल अलवर राजस्थान का बोलते हैं, पर अभी ये पहले वाली फसल है, इसके साथ पुराना भी है, हर क्षेत्र का माल है यहाँ पर। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी से आज की क्या रिपोर्ट है, जिससे पहले भाई साहब से बात कर ले। नमस्कार जी, कौन सा कैरथल से ही हो जी? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा। फसल कैसी है जी अभी बार? फसल जी बाद वाली है ना, लेट बारिश से बाद के, बारिश से बाद की। हाँ, बहुत अच्छी फसल है वो तो। फिर समय हुआ उसमें? हाँ, मान लो लास्ट एक महीना या 20-25 दिन में चल हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा, 20-25 दिन में। अभी इस ये फसल कैसी है और जो पहले वाली है? ये मान लो 5% है ये, और बाकी 95% अब जो आएगी ना। नहीं, साइज तो बढ़ाने की फिर इसमें, ये ज्यादा बारिश के कारण इसमें रोग हो गया। अच्छा, इसलिए नहीं बना। अब जो आएगा उसमें साइज अच्छा है। ठीक है, चलो बढ़िया होना चाहिए जी, बढ़िया ही रहेगा जी, अब की बार बढ़िया रहेगा। भाऊ जी राम राम जी। राम राम जी, राणा जी राम राम। भाऊ जी आज की क्या रिपोर्ट है जी मंडी में? मंडी तो अब खाली खाली नजर आने लगी जी। देखो जी, रिपोर्ट तो अच्छी है। हाँ जी, और बाजार भी ठीक है। हाँ जी, लेकिन नया प्याज सारा कहीं से भी जो आ रहा है, हाँ जी, दागी है, कम या बढ़ती। अच्छा जी, इसके कारण बिक तो नया रहा है। हाँ जी, ग्राहक ले रहा है, पर जो भाव मिलना चाहिए ना, वो भाव इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि चाहे कर्नाटका का हो, चाहे कैरथल से 250-300 कट्टे रोज आने लगे। अच्छा जी, ये सब दागी हैं। दागी किस कह रहे जी? साइज भी छोटा रह गया। साइज तो वाकई छोटा है, ये तो मीडियम गोली साइज है जी सारा। ये बरसात के मारे हुए हैं ना। अच्छा जी, बरसात से नुकसान हो गया। ठीक है जी। भाऊ जी अब की बार कल के मेरी जो वीडियो बनी ना, उसमें लोगों के काफी कमेंट आए इंदौर से। मैं कह रहे कि हमारे माल को रेट ही नहीं मिल रहा जी इंदौर में, ये नहीं पता जी उनकी मंडी में दिक्कत है, ये उनके मालों में दिक्कत है जी। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में रेट तो देखो जी प्याज का ठीक है जी, वो लगातार खबर आ रही जी वहाँ की, हमको वो रेट ही नहीं मिल रहे इंदौर मंडी में। देखो जी, एक बात सबको समझनी चाहिए, जो भी इलाके जहाँ प्याज उगता है ना, हाँ जी, वहाँ तो उसकी खपत होती नहीं। ठीक है जी, उन मंडियों से खरीदते हैं लोग, चाहे आढ़ती खरीदे, चाहे खरीदार खरीदे, व्यापारी कोई भी खरीदे जी, और वो फिर दूसरी मंडियों में डालते हैं। ठीक है जी, दिल्ली की मंडी एक बड़ी मंडी है जहाँ 50-60 गाड़ी रोज बिकती है। ठीक है जी, इसलिए यहाँ माल आते हैं वहाँ के। मैं तो किसानों को ये राय दूंगा कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी दूर घर से जरूर निकलें, जहाँ प्याज बेहिसाब हो रहा है वहीं की मंडी में आप प्याज लगा दोगे, हाँ जी, तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा जो दूर की मंडी में मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ तो खाने वाले हैं तो बाज़ार तेज रहेगा, वहाँ लोड करने वाले हैं वो तो कम लेंगे कि आगे घट ना जाए। ठीक है जी, तो अब तो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, सबके पास सारे साधन है, हाथ में मोबाइल है, जब हिमाचल का सेब तमिलनाडु में जा सकता है सीधा बिकने के लिए। ठीक है जी, हिमाचल है ना हिंदुस्तान का तमिलनाडु। हाँ जी, हाँ जी, तो ये प्याज वाले क्यों नहीं घर से बाहर निकलते? हिमाचल से याद है जी, हिमाचल के किसान ना तमिलनाडु में अपना लहसुन लेते हैं, प्याज को छोड़ दो, लहसुन लेते हैं जी अपना। आप ये देखो कि ये नॉर्मल बात है, अपना दिमाग जिसमें है थोड़ा लगाए कि भाई प्याज एमपी में उग रहा है। ठीक है जी, एमपी की मंडी में किसान ले जा रहा है तो वहाँ तो भरमार है प्याज की, वहाँ तो रेट ढंग से मिलना ही नहीं है। ठीक है जी, क्यों, जिसने आगे भेजना है उसने भी तो दो पैसे कमाने हैं। ठीक है जी, उसको डर भी होता है कि बाजार ना गिर जाए, कहीं घाटा ना हो जाए। तो जो मंडियां कंज्यूमिंग मार्केट है, जो उपभोक्ताओं की मंडियां हैं, ठीक है जी, शहरों की, उनमें हमेशा पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो अपने घर से थोड़ा बाहर या दूर बेचना चाहिए जाके, हमेशा पैसे अच्छे मिलेंगे। परंतु एक बात का ख्याल रखें,
कि जैसे मुझसे आज बात हुई या आज मेरा वीडियो देख लिया, मैं तेजी बता रहा हूँ, आप चार दिन बाद उखाड़ के उसी रिपोर्ट पे आ रहे हो, तो ना चलने से पहले एक बार मेरे से बात कर लो, ठीक है जी, कि वही बाजार है या गिर गया, ठीक है जी। जो किसान या जो उगाने वाले जो लाते हैं माल और कहते हैं जी भाव कुछ बताया था, बेच दिया कुछ, वो तभी होता है। जैसे मैं आज बता रहा हूँ, हाँ जी, तो आज का भाव है, मैं ये भी बता सकता हूँ कि अगले दो चार दिन क्या भाव रहेगा, ठीक है जी। पर आप सारे उखाड़ के चार छः दिन बाद आ जाओ और कहो जी भाव क्या बताया था, हर किसान को जिस किसी भी मंडी में कभी जाना हो उसे टेलीफोन करके एक दिन पहले और उस दिन ये पूछना चाहिए बाजार क्या है। बाजार तो रोज और इतना ही नहीं भाई, मेरी गाड़ी एक दिन दो दिन तीन दिन जैसे पहुंचनी है पहुंचेगी, क्या बाजार रहेगा तब आप कह सकते हो आरती झूठा है, ठीक है जी। जब आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना कि आपकी गाड़ी तीन दिन में आएगी, तीन दिन बाद उम्मीद ये बाजार रहेगा। अच्छा जी, ये बताओ जी, जैसे मान लो चार किसान, पांच किसान या छह किसान या दस किसानों ने गड्डी कर लीजिए बड़ी, हाँ, वो गड्डी के साथ आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है जी। हाँ? चाहे वो ट्रेन में आए, गाड़ी को लोड करके बिल्कुल आ जाए जी, हमारे यहाँ तो रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम है, रसोई अलग, ये तो नहीं आएगी कोई अलग ही पूरी की पूरी गड्डी एक ही लाठी होगी ना, इनमें भी तो गाड़ियों में अलग अलग लोट होते हैं ना जी। हाँ बिल्कुल होते हैं जी, एक लाट भी आता है, एक लाट तो ज्यादातर व्यापारियों का आता है या बड़े किसानों का, हिंदुस्तान में तो ज्यादातर किसान छोटा है, ठीक है जी, तो उनका एक लाट की गाड़ी मुश्किल बनती है, तो हमारे पास तो 30-30, 40-40 लाट, 20-20 लाट की गाड़ी आती है, ठीक है जी, वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5-10 किसान मिलके गाड़ी बना के तब भी जा सकते, तब भी आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। कई जगह तो ऐसा होता है कि 5-10 आदमी माल भेजते हैं, 2-3 आदमी साथ आ जाते हैं, ठीक है, वही भेज जाते हैं बाकियों का भी, ठीक है जी, सब आए तो भी अच्छा है। अब जिसको टाइम नहीं है वो ना आए, गाँव के भाई बंद यार दोस्त बेचेंगे, ठीक है जी, पैसे ले आएंगे, तो इसलिए अपने घर से दूर की मंडी या घर से दूर मतलब जहाँ प्याज नहीं होती है उन मंडियों में पैसे हमेशा ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए बोला जी मैंने, क्योंकि कल की मेरी जो वीडियो आज तक किसी ने इतने कमेंट नहीं करे, हाँ। कल की वीडियो में लोगों ने कहा कि हमारा शोषण हो रहा है, राणा जी आप कुछ बोलते नहीं, हाँ। हमारा शोषण हो रहा है इंदौर मंडी में, हमको रेट ही नहीं मिल रहे, जो रेट मिल रहे ना उससे भी बहुत ज़्यादा कम रेट है जी, नहीं तो गलत है ये, तो माल में दिक्कत होगी या फिर जो है हो सकता है जो भी है जी, मैंने तो समाधान आपसे पूछा जी, इसलिए नहीं समाधान तो ये है, मैं तो पूरी बात बता रहा हूँ, कोई इसे काट के दिखा दे, ठीक है जी, क्योंकि जहाँ प्याज उग रहा है वहाँ की मंडियों में तो सस्ता बिकेगा ही, ठीक है जी। जिन राज्यों में या जिन शहरों में प्याज आस पास 50-100 किलोमीटर में पैदा नहीं होता, तेज तो वहीं बिकेगा, और जो आपके पास किसान आते हैं ना समझा दो यहाँ खर्चा क्या क्या लगता है। यहाँ किसान पे कोई खर्चा नहीं है, 10 रुपये पैकेट मजदूरी है, हाँ जी, बाकी हमारे पास तो मेरी दो दुकान है बड़ी, वहीं रहना वहीं खाना चाहे नाश्ता वगैरह सब है, ठीक है, तो ये रखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हाथ हुआ, ठीक है जी। हाँ गाड़ी उनकी अपनी है जी, किराया उनका अपना, भाई यहाँ तो सिर्फ 10 रुपये की पल्लेदार की मजदूरी कटेगी बस, किराया कोई तो किसी किस्म की कमीशन नहीं है जी, कोई कुछ नहीं, यहाँ तो लेने वाले के ऊपर है जी, कमीशन खरीदार पे, ठीक है जी। हाँ ठीक है, दिल्ली खर्चा कोई नहीं है। तो आज की गाड़ियाँ कितनी बताई भाऊ जी आप टोटल मंडी? आज देखो जी 40 गाड़ी तो ताजा आई है, अच्छा जी, और 7 गाड़ी नेफड़ की आई है, ठीक है जी, और 250 कट्टा राजस्थान का नया आया, ये ऐसे वाला जी है, हाँ, ठीक है जी। हाँ इसकी गिनती कट्टों में चलती है जी, ये राजस्थान की, क्योंकि जब तक गाड़ियाँ आनी शुरू नहीं होंगी तब तक कट्टों में होगी। अच्छा जी कट्टों से बात चल गई, ये बता दो जी पहले जैसे इन्होंने बारदाना लगाया, अब हाँ ये बारदाना सही है या जूट वाला है या फिर ये जो लाल जाली वाला दूसरा बारदाना ठीक है? देखो जूट वाला महंगा होता है, जूट वाला ना लगा के जाली वाला ही लगाना चाहिए, और ये भी ठीक है, पर अच्छा इससे सुंदर बारदाना भी एक आता है, हाँ जी, और वो थोड़ा सा जितना सुंदर पैकेट होगा उतना अच्छा बिकेगा। सुंदर मतलब एक तो है लाल जाली है जूट ये वाली, अजी एक जाली और, अरे कट्टे निकालियो 25 किलो वाले, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पसंद ज़्यादा करते, एक दो बहुत है ये ऊपर लगे हुए। अच्छा अच्छा ये वाले जी ऐसे, हाँ ठीक है जी, इस रंग, अच्छा इस रंग में प्याज ज़्यादा चमकता है,
अच्छा इस कलर में जी। हाँ ठीक है जी। तो जी इसमें बड़ा कट्टा ले लीजिए जिसमें 40-50 किलो। हाँ जितने 50 किलो दिल्ली में लाना चाहिए। ठीक है जी। 50 किलो की डिमांड ज़्यादा रहती है। अच्छा जी। और बढ़िया बिकता, मजदूरी भी कम और बारदाने में भी बचत हो जाती है। ठीक है जी। आज की बाहर की रिपोर्ट दो जी, पहले तो जी बाहर के माल कहाँ के क्या रेट चल रहे जी? देखो जी माल तो यहाँ पर कर्नाटका से आ रहे हैं। हाँ जी। आंध्रा से आ रहे हैं नए और राजस्थान से आने लगा, 250-300 कट्टा रोज आ रहा है। ठीक है जी। अगले हफ्ते बढ़ जाएगा। और पुराना प्याज जो है वो महाराष्ट्र का आ रहा है, MP का आ रहा है, राजस्थान का आ रहा है, तीन जगह से वो पुराना प्याज भी आ रहा है। ठीक है जी। प्याज इस वक्त जो भाव टिका हुआ है ये कुदरतन टिका हुआ है कि बरसात जान नहीं छोड़ रही। ठीक है जी। साउथ में बरसात लगातार हो रही है, आज भी वहाँ तो बरसात फूल है, जिसके कारण वहाँ से जो प्याज निकल रहा है तो ख़राब हो जा रहा है या आते आते थोड़ा दागी या ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है जी। इसके कारण प्याज जो पुराना बचा हुआ है उसको पैसे मिल रहे हैं अच्छे, और नए को तो मिल ही रहे हैं। ठीक है जी। फिलहाल बरसात है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 5-7-10 दिन तक कोई बाज़ार गिरने वाला नहीं है। तो MP के सीरियल से रेट बता दो जी, जो MP के पुराने प्याज हैं इनके कहाँ से कहाँ तक के रेट हैं जी? MP के आज बिका MP 1600 से 1800 किलो में जाने जो 40 से 45 रुपए किलो है। हाँ जी। क्वालिटी के अनुसार जैसा क्वालिटी के अनुसार। और जो अपना नासिक वाले प्याज पुराने, नासिक वाला जो प्याज है वो बिक रहा है यहाँ पर समझो आप 42 रुपए से 47 रुपए तक। अच्छा जी। और जो पूना के टॉप क्लास क्वालिटी के प्याज, पूना के वही है जी 1800 से 2000। अच्छा जी। 1800 से 2000 45 से 50 रुपए। हाँ जी। और जो यही साउथ वाले जो नए माल है जी, नए नए माल बिक रहे हैं साउथ के 1200 से 1800 1200 से 1800 ये कितने बैठ गए जी फिर? ये 30 रुपए से लेके 45 रुपए तक। इनमें काफ़ी डिफरेंस है जी? डिफरेंस छोटा आ रहा है, दागी आ रहा है, इसका डिफरेंस है। अच्छा जी। और आज के इसके क्या रेट चल रहे जी कैरथल के? ये बिका जी 1411 रुपए, क्योंकि दागी है 2-3 किलो कट्टा। अच्छा जी। अच्छा। और साइज भी छोटा है। 1411 रुपए किलो बिका जी। हाँ। तो इसका क्या रेट बैठा जी 1411 का? ये 36 रुपए। 36 रुपए जी। और जो इसमें बढ़िया हो दागी ना हो जी? 45 रुपए। अच्छा जी। अभी तो इनका ऐसे ही आएगा जी शायद कुछ दिन तो जी। और एक बात और है ना, 2-3 दिन से NCCF का कोई प्याज दिल्ली नहीं आ रहा। ठीक है जी। पता लगा है वो रैक लोड कर रहे हैं, तो जब तक उनका प्याज नहीं आता। हाँ जी। तब तक वो भी एक कारण है कम प्याज का। ठीक है जी का। अच्छा गाड़ियों की बजाय वो ट्रेन में भेज रहे जी? ट्रेन में अब लोड कर रहे हैं। ठीक है जी। और ट्रेन जिस दिन आएगी उस दिन काफ़ी मात्रा में प्याज हो जाएगा। ठीक है जी। चलो फिर इतना 1-2 दिन तो मौका है जी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल है। ठीक है जी। हाँ। और NCCF को भी मैं तो नहीं समझता, क्योंकि मेरी आदत है बोलने से रहता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से NCCF को ट्रेन में माल नहीं लोड करना चाहिए, माल डैमेज भी होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त उनके माल वैसे ही हल्के आ रहे हैं। ठीक है जी। मतलब प्याज पुराना हल्का हो गया हुआ है, अब वो रैक में डलेगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा, 3-4 बार अटकी पटकी हो जाएगी जी। हाँ। तो जो कंडीशन है रैक की, भगवान भला करे, वरना हल्की और भी हल्का आएगा। ठीक तो है क्या फ़ायदा हुआ? मेरे हिसाब से भगवान करे अच्छा आए, बहुत बढ़िया। ठीक है। पर ऐसा लगता नहीं है, हालात जो है प्याज के वो हल्का आएगा और काफ़ी ज़्यादा हल्का ना हो जाए। ठीक है जी। जैसे गाड़ी में प्याज आता है। हाँ। गाड़ी में से प्याज उतर के पटकी लगे के बाद ही 1 किलो वजन तो वैसे गैप हो जाता है। हम कोशिश करते हैं गाड़ी से उतरे बिना बिक जाए, जो गाड़ी में बिक जाए और नीचे उतर के बिके। ठीक है जी। उनमें गाड़ी में बिके 1/2 किलो घटेगा, नीचे उतर के बिकेगा तो 1 किलो घटेगा, 1.5 किलो घटेगा। और जो सर ट्रेन में अटका पटकी होएगा तो ये तो बहुत घटेगा जी। गलत डिसीजन है जी। हाँ चलो आप ही हिम्मत है जी जो बात बोल सकते हो। नहीं, नहीं सच कहने में क्या, देख देश आज़ाद है। ठीक है जी। ये NCF वाले जो हैं हमारे, जो हम करोड़ रुपया टैक्स दे रहे हैं उसी में से तो कर रहे हैं कुछ। ठीक है जी। हमारा सुझाव है, शिकायत नहीं है। ठीक है जी। हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा सोच के करा हो। नहीं आपका तजर्बा है जी, हम तो पहले कह रहे हैं 1 किलो घट जाता है जी इसमें। हम तो ये कह रहे हैं वजन भी ज़्यादा घटेगा और बिकेगा भी कम,
ठीक है जी, और अगर डैमेज शैमेज हो गया, जो हो सकता है, मैं तो बच के कह रहा हूँ होएगा, पर फिर भी कह रहा हूँ हो सकता है, ठीक है जी, समझ के किया हुआ कुछ तो और भी ज़्यादा घाटा हो जाएगा, ठीक है जी, आगे कुछ बात है वो आ जाए तब कहूँगा। तो इसमें कितने रुपए का डिफरेंस आता है, जो उनसे कई बार किसानों के भी माल आते हैं और ये गाड़ी में आता है, क्या रुपए किलो का भाड़ा बच जाएगा जी? ऐसा भाड़ा तो थोड़ा ही बचेगा, पर रेट ज़्यादा गिर के बिकेगा, कोई लाभ नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल लाभ नहीं है। ये तो बिल्कुल फ्रेश और मजबूत प्याज हो तब मामूली सा अंतर आ सकता है, वरना इसमें ज़्यादा अंतर आएगा, क्योंकि प्याज खराब है, तीन चार पटक लगेंगी, रेलवे में खाली डिब्बों में आएगा, सूखेगा ज़्यादा, और वहाँ से ट्रकों में लद के रेलवे में, यहाँ से ट्रकों में लद के दिल्ली, तो वो भी तो खर्चे पड़ेंगे सारे, ठीक है जी। तो इसलिए इस टाइम तो कम से कम नुकसान के ही चांस ज़्यादा दिखते हैं, जो भाव मिल सकता था ट्रकों में वो वैगनों में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो लिख लो आप, इतने किराए में नहीं बचेंगे उसमें कभी, हाँ उससे ज़्यादा कम, क्योंकि पहले गावटी की फसल आती है ना कई बार, जब वो गावटी की फसल ज़्यादा हो जाती है वो आती है रक में, तो वैसे वो लोहा होता है ना उस टाइम, ये तब की प्याज है मार्च की अप्रैल की, और आज इसमें बचा क्या है आप देखो मंडी में, जो आपको ढेरी हमने बना रखी है ये पाँच पाँच चार चार कट्टों में पलट के बढ़िया करके एक दो कट्टे बाहर निकाले हुए हल्के, ठीक है जी, अगर आपको कोई कट्टा पलट के दिखा दूँ प्याज का तो आपको यार ये क्या कर रहे हो, ये दिखा रहे हो और ये दे रहे हो, हर ग्राहक को भी पता है, ठीक है जी, कि जो आरती दिखा रहे दे नहीं रहे, अब ये तो मूर बनाए जिसके ऊपर, बस वही बात है जिसको वैसे किरड़े फिर तो कुछ और ही निकलेगा जी, बिल्कुल ठीक है जी। आलू वाले भी दिखाते हैं, डेरी का अलग दिखाते हैं, फिर वो एक कट्टा पलट के असल का दिखाते हैं, असल तब दिखता है, ठीक है जी। आज तो जी बड़े दुख की बात जी, आपके परम मित्र प्यारे सतीश मसीन भाऊ जी, सतीश जी गुजर गए, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया, दुख की बात है, और चलो क्या कर सकते हैं अब, ठीक है जी, मतलब हमारे आलू प्याज में तो उनका बहुत मान सम्मान था, भले आदमी थे बहुत, ठीक है जी, चलिए धन्यवाद भाऊ जी, वीडियो भी लंबी होगी, अगली बार और कोई किसानों के लिए सुझाव जी, आज का तो बस यही था, क्योंकि कल जो है काफ़ी कमेंट आए इंदौर वाला के, किराना जी महाराज शोषण हो रहा, महाराज शोषण हो रहा, हमको भाव नहीं मिल रहा, दिल्ली बेच के देखो, लेकिन शहर में बेचने के एक बात जरूर है कि थोड़ी सी साफ सफाई छटाई करके एक दो लॉट फालतू बनाओ, लॉट के अंदर अगर 10 कट्टे भी हल्के हैं ना तो उसका 10 का थोक अलग बना के ले आओ, ठीक है, अपने भाव बिक जाएगा। तो इसलिए प्याज का ग्रेडिंग होना चाहिए, कलर से भी साइज से भी, ठीक है जी, फिर वो हमारी जैसी मंडियों में बहुत तेज बिकता है, ठीक है जी, कुछ ना कुछ मेहनत बचेगी जी 100%, इन भावों में तो 5 रुपये किलो का तो कम से कम फर्क आएगा, ठीक है जी, हाँ 5 रुपये तो कई बार ऊँच आता है जी, ये हाँ 5 रुपये तो फसल तैयार होके बिकता है कई बार, 1.5 लाख रुपये हो गया गाड़ी का, ठीक है जी, चलिए धन्यवाद भाऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी? राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली, फड़ नंबर मेरा है 2526 जिसमें माल बिकता है, और मोबाइल नंबर है 98102 61648। धन्यवाद भाऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।